वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं आप सबनु गुरु अर्जन देव जी दे प्यारे गुरसिख परमान जी दी साखी सुनाउन जा रही हां। परमान जी पिंड कंगमई जिला हुशियारपुर दे रहन वाले सी। ओह अपने पिंड दे चौधरी सन। ओह अपने ओह सखी सरवर दे पुजारी सन। एक बार संगत न रल के ओ गुरु दर्शन नु श्री अमृतसर साहिब आए। गुरु अर्जन देव जी दे दर्शन करके इन्ने प्रभावित होए कि उन्हां नु कहन लगे कि मैनू अपना सिख बना लो। तां गुरु साहिब जी ने कहा कि सिखी सिखी उत्ते नहीं टिकदी पाए। तां भाई मन जी यह गल समझ गए अते अपने पिंड जाके सखी सरवर दी जगह ढा दित्ती अते पिंड दे लोकां नू दस दित्ता कि मैं हूँ गुरु जी दा सिखा। मैं सखी सरवर नू नहीं पूजांगा। उन्होंने लोगों के भारी विरोध का भी सामना करना पाया पर उल्टा उन्होंने इस गल का कोई असर ना होया। पर उल्टा उन्होंने चौधरी पदवी त्याग दिता। गुरु साहिब जी का गुरु शब्द उन्होंने आत्मा की खुराक बन गई। घर के हालात गरीबी कारण बहुत खराब होने लगे। गुरु साहिब ने बड़िया कठिन प्रीक्षावं लिया पर वह बिल्कुल ना डोले। गुरु साहिब जी दे सद्दी श्री अमृतसर साहिब आए। गुरु जी ने उन्होंने सेवा लंगर विच लकड़ियां लिया लगा दिती। लंगर विच लंगर प्रशाद गुरु साहिब जी ने पूछा कि प्रशादा कितों छकते हो। तो उन्होंने कहा कि जी मैं तो लंगर विचों ही छकदा हाँ। तां गुरु साहिब जी ने कहा कि यह तुहाडी सेवा तो ना हुई, यह तुहाडी मजबूरी हुई मजदूरी हुई। भाई साहिब ने सिर निवा दिता अते अगली बार तो ज़्यादा लकड़ियाँ लियानियाँ शुरू कर दित्तियां। कुछ लकड़ा लंग वास्ते अते कुछ बाजार विच वेच के प्रशादा बनाते अते छक लैंदे। इस तरीके नाल उन्हां दा जीवन बतीत होण लगा। एक दिन हनेरी रात नू लंगर दियां लकड़ियां सिर ते लेके आ रही सी कि हनेरे विच ठोकर लगन नाल खूह विच डिग पए। गुरु सिर तो लंगर दियां लकड़ियां थले ना डिगन दित्तियां अते गुरु गुरु जपदे रहे। गुरु साहिब जी नू जद इस गल दा पता चलिया तो वह बिना जोड़ियां तो ही एक भज्जे आए ते नाल रसा लिया गया अते रसा खूह विच सुट्टिया गया। कहा गया कि रस्सा फड़ के बाहर आ जाओ। तो भाई मन जी ने कहा कि पहला लंगर दी लकड़ियां दी पंड बाहर कढ़ो ता ही मैं बाहर आवांगा। लंगर दी पंड बाहर कढ़ी गई ता फिर बाद विच भाई मन जी बाहर आए ते गुरु साहिब ने उन्होंने गल लगा लिया ते कहा कि भाई मन जी जो मंगना है मंगो। ता भाई मन जी ने कहा कि असी आप जी दे बच्चे हाँ, साढ़िया इन कठिन प्रीख्यावान ना लवो, असी आप जी दे सिखा। अते गुरु साहिब जी ने उन्होंने मंज प्यारा गुरु को गुरु मंज प्यारा मंज गुरु का बोही था जग लंगन हारा दा वर बख्श के अते प्रचारक थाप के उन्होंने पिंड कंग में भेज दिता जिथे उन्होंने बाकी जीवन भी बतीत किया। सिखी का प्रचार करद बाकी जीवन भी बतीत किया। सानू इस साखी तो यह सिक्ख्या मिलती है दे तारी गुरु पखंडियाँ अते मड़ी मसाणा ते नहीं मत्था टेकना चाहिदा है। आज्ञा पई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।